तो दोस्तों स्वागत है आपका इस ब्लॉग के अंदर। मैं आपका अपना दोस्त एजत मुसाफिर सिडनी आया हुआ हूँ दोस्तों। तो दोस्तों 20 साल बाद मैं अपनी स्कूल फ्रेंड से मिल रहा हूँ। एक ब्लैक टाउन करके सबब है जहाँ पे उसने मुझे बुलाया है, और ये है मैक्स बर्नर चॉकलेट बार जहाँ पे वो आई हुई है। सो अंदर चलते हैं, 20 साल बाद अब देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। तो देख लेता हूँ कहाँ पे बैठी हुई है। How are you? So, मिल गई है मेरे को 20 साल बाद। ये है प्रीति, कैसी है? Good. How are you? I'm good. मैं शूट कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के लिए भी साथ में। Hi. So, व्यूअर्स, ये मेरी फ्रेंड है प्रीति, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इससे 20 साल बाद मिला हूँ, बातचीत कर लेता हूँ इससे। बस मैक्स बर्नर से हम लोग अब बाहर निकल चुके हैं। ये यहाँ पे खड़ी हुई है, लेके जा रही है मुझे मॉल घुमाने के लिए। तो ये ब्लैक टाउन सबब है ना? क्या मतलब मॉल बंद हो जाए? तो वेस्ट फील्ड है ये? Is it one of the famous malls? In the west. In the west. और क्या क्या खासियत है यहाँ पे, मतलब और अच्छा क्या क्या है? शॉपिंग सेंटर है। मतलब लोग क्या करते हैं ब्लैक टाउन सबर्ब के अंदर यहाँ पे मॉल? इट्स अ शॉपिंग सेंटर, यहाँ पे फूड कोर्ट है, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। और आई मीन दैट्स अबाउट इट। दैट्स इट। क्या मूवी थिएटर वगैरह यहाँ पे? हाँ, तो कौन से हैं यहाँ पे? ओके, अच्छा। यहाँ पे एक चीज़ ये और होती है कि यहाँ पे अपने इंडिया की तरह नहीं है, यहाँ पे चीज़ें बंद हो जाती हैं। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर 6 बजे कहते हैं न्यूजीलैंड डेड हो जाता है पूरा, तो यहाँ पे 8-8:30 बजे के करीब ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीज़ें थोड़ी सिटी के अंदर शट डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। 8:30 ऐसा नहीं है? 5 PM एक घंटा और पहले। थोड़ी और बूढ़ी कंट्री है ये न्यूजीलैंड के मुकाबले। और मुझे बोल रही थी कि मैं गांव से आया हूँ, मतलब ये लोग न्यूजीलैंड को गांव बोलते हैं। ये ऑजी लोग जो है ना, जो ऑस्ट्रेलिया वाले न्यूजीलैंड वालों को बोलते हैं गांव से आए हो। ब्यूटीफुल गांव। हाँ, ब्यूटीफुल गांव। नाउ इट्स गुड। सो कहाँ पे? ओके, तो मतलब अगर आपको ट्रेन वगैरह लेके आना है तो यहाँ से आ सकते हैं। वो ग्रीन कलर का ये ब्लैक टाउन स्टेशन है। सिटी से कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में? ट्रेन लेते हैं वो 45 मिनट्स। तो यहाँ पे ट्रेन क्या डिफरेंट है? ट्रेन सिस्टम या डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो सिटी के लिए यहाँ से एन एक्सप्रेस ट्रेन मिलती है स्लो, लाइक और स्टेशन वाली ट्रेन भी है जो शायद 1 घंटे से ऊपर लेती है। ओके, तो मैं इसका आपको बता देता हूँ। लीपी मेरे साथ रायन इंटरनेशनल में पढ़ती थी, हम लोग सेम स्कूल के अंदर थे, और 20 साल पहले ये स्कूल छोड़ के, हम सबको छोड़ के ऑस्ट्रेलिया आ गई थी अपनी फैमिली के साथ। सेटल डाउन हो गई थी यहाँ पे। तो सिडनी में रहती है ये, और अभी हमारी एक दोस्त से और बात हुई है, मैं उसे चाबी बोलता हूँ। वैसे तो उसका नाम छवि है, चार भी नाम है। मैं उसे चाबी बोलता था, तो उससे 20 साल बाद बात करी है, काफ़ी अच्छा लगा है। उसको भी ये ब्लॉग का लिंक भेजने वाला हूँ मैं। अच्छा लगता है दोस्तों अपने दोस्तों से तुम इतने सालों बाद मिलते रहते हो, टच में रहते हो, और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी थी 20 साल पहले। छोटी मोटी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मोटी तो नहीं पतली थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब सही हो गई है। और मैं भी वैसा का वैसा ही 20 साल बाद थी। क्यों, दाढ़ी वाड़ी नहीं आई? तुम बोल रही हो और थोड़ा बड़ा भी हो गया, और बिल्ड बन गई है मेरी नवी, सही है। मतलब मैं मेरे को ही बोलना पड़ रहा है। चलो सही है दोस्तों, अब मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। बाय।